नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीसीएल के आयोजन के बारे में। भारत में आईपीएल के चाहने वालों की संख्या का अंदाजा आप मैच के दौरान स्टेडियम में जमा होने वाली भीड़, टिकट खरीदारों की बढ़ती संख्या से ही लगा सकते हैं। बिहार क्या हर राज्य में आईपीएल के दीवाने आपको दिख जाएंगे। आईपीएल की दीवानगी को ध्यान में रखते हुए ही बिहार में भी बीसीएल यानी कि बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन होने वाला है। हालांकि यह आयोजन और भी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इसका उद्घाटन खुद भारतीय टीम को 1983 में वर्ल्ड कप दिलाने वाले कपिल देव करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना के ऊर्जा स्टेडियम में बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन 20 मार्च से होने वाला है, जो कि 26 मार्च तक जारी रहेगा, जिसका आयोजन एलाइट स्पोर्ट्स के स्पॉन्सरशिप के तहत किया जा रहा है, जिसके बाद ही अब राजधानी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में बिहार क्रिकेट लीग के विनर और रनर अप ट्रॉफी का आवरण भी किया गया है। इस मौके पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव तिवारी समेत तमाम पदाधिकारी और एलाइट स्पोर्ट्स स्पॉन्सर के डायरेक्टर निशांत दयाल की मौजूदगी भी दर्ज की गई। इसके साथ ही मैच का शेड्यूल भी अब जारी कर दिया गया है। वहीं कपिल देव के आगमन और मैच के आयोजन को लेकर क्रिकेट लीग के पदाधिकारी निशांत दयाल ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि 20 मार्च से 26 मार्च तक चलने वाले बिहार क्रिकेट लीग टूर्नामेंट में कुल 13 मुकाबले होंगे। इसमें 2 सेमीफाइनल मैच और 1 फाइनल मैच होंगे। अब बात मैच के शेड्यूल की। आपको बता दें 20 मार्च से शुरू होने वाले इस मैच के तहत पहला मुकाबला पटना पायलट्स और अंगिका एवेंजर्स के बीच आयोजित होने वाला है। लीग में हर दिन 2 मुकाबले का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत पहले मैच का आयोजन 2 बजे से होने वाला है और दूसरा मैच शाम 6 बजे से आयोजित किया जाएगा। शाम 5 बजते ही मैदान की फ्लड लाइट ऑन कर दी जाएगी। ऐसे में बिहार के खिलाड़ियों को फ्लड लाइट में खेलने का अनुभव मिलेगा। आपको ये भी बता दें कि बीसीएल के तहत आयोजित होने वाले सभी मैच का आयोजन राजधानी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में ही किया जाएगा, जिसके तहत ही 26 मार्च को लीग का फाइनल और अंतिम मुकाबला शाम 4 बजे से ही खेला जाएगा। इस दिन सिर्फ 1 मैच का आयोजन करवाया जाएगा, बाकी सभी 6 दिनों में 2-2 मैच का आयोजन देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही पटना में आयोजित होने वाले इस बीसीएल में सनत जयसूर्या, तिलक रत्ने, दिलशान, डेनी मॉरिसन, वेंकटेश प्रसाद और आरपी सिंह जैसे खिलाड़ी एक एक टीम के साथ बतौर मेंटोर उतरे रहेंगे। यह टूर्नामेंट के दौरान टीम के साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर करेंगे, साथ ही प्रैक्टिस सेशन के दौरान बेहतर खेलने का टिप्स भी देंगे। अब आइए जानते हैं स्टेडियम में दर्शकों को अनुमति मिलेगी या नहीं। इस वीडियो को बनाए जाने तक स्टेडियम में आम लोगों की एंट्री की अनुमति दी गई है। हालांकि कोरोना को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है, जिसके तहत अब जो भी दर्शक इस खेल के बनने के इच्छा रखते होंगे, उन्हें स्टेडियम में जाने के लिए कुछ राशि का भी भुगतान करना होगा, जो कि अभी तो साझा नहीं की गई है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दर्शकों की एंट्री फीस 500 रुपए से कम रखी जाएगी। इसके साथ ही इस मैच का लाइव प्रसारण यूरोस्पोर्ट्स और यूरोस्पोर्ट्स HD पर होगा। हालांकि एक बात तो तय है कि इस प्रकार के आयोजन से निश्चित तौर पर बिहार के खिलाड़ियों को एक बड़ा एक्सपोजर मिलेगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने से उनके अंदर आत्मविश्वास भी काफी बढ़ेगा। बिहार में खेल को लेकर अभी बहुत काम करना बाकी है, लेकिन अगर बीसीएल का आयोजन सफल और सुचारू रूप से हो जाता है तो बिहार के क्रिकेट खिलाड़ियों को अब अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए दूसरे राज्यों पर आश्रित नहीं रहना होगा, बल्कि अब वो बिहार में ही अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।